हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एलकेजी की वर्कशीट। पहले भी हमने एक वर्कशीट देखी थी, उसका ये सेकेंड पार्ट है। इस वर्कशीट से आपको बहुत मदद मिलेगी बच्चों को प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो अहम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सर्किल द करेक्ट कॉम्बिनेशन। सर्किल द करेक्ट कॉम्बिनेशन बच्चों को एलकेजी में स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर सिखाए जाते हैं। इस क्वेश्चन से उन्हें स्मॉल और कैपिटल लेटर को सही कॉम्बिनेशन चुनना आएगा और सर्किल करना आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने दे रखा हुआ है कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये सही है, तो बच्चा इसको सर्किल करेगा। कैपिटल सी स्मॉल ओ, ये सही नहीं है, बच्चा इसको सर्किल नहीं करेगा। कैपिटल एक्स स्मॉल वाई, ये भी सही नहीं है, बच्चा इसको सर्किल नहीं करेगा। कैपिटल एल स्मॉल एल, ये सही है, बच्चा इसको सर्किल करेगा। ये सही है, बच्चा इसको सर्किल करेगा। ये सही है, इसमें भी सर्किल करेगा बच्चा। ये भी सही है, इसमें भी सर्किल करेगा बच्चा। इससे बच्चों को कैपिटल और स्मॉल लेटर साथ में लिखने की काफी हेल्प मिलेगी और कॉम्बिनेशन करना आएगा। नेक्स्ट है ज्वाइन द लेटर्स एंड फॉर्म वर्ड्स। बच्चों को एलकेजी में टू वर्ड्स और थ्री वर्ड्स लेटर्स सिखाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने दे रखा हुआ है, दो वर्ड्स से एक नया वर्ड फॉर्म होगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल वाई, माई, ओ प्लस एन ऑन, एम प्लस ई मी, आई प्लस एन इन, एन प्लस ओ नो, आई प्लस इस एस इज। नेक्स्ट है मेरे पास क्रॉस द वर्ड्स विच डज नॉट बिलोंग्स टू द गिव। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेरे पास क्रॉस द वर्ड्स विच डज नॉट बिलोंग्स टू द गिवन वोवेल साउंड। वैसे तो बच्चों को एलकेजी में अल्फाबेट्स 26 लेटर्स होते हैं और उनमें से 5 वोवेल्स होते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, और बाकी के कंसोनेंट होते हैं। तो इस एक्टिविटी से बच्चों को वोवेल साउंड की प्रैक्टिस होगी। सबसे पहले ए, तो यहाँ पे हम देखेंगे ए कैप, ए से कौन कौन मैच करता है यहाँ पे, जैसे कि ये ओ, ये मैच नहीं करता है तो इसमें बच्चा क्रॉस करेगा। ये मैच करता है तो ये सही है, और ये भी मैच करता है तो ये भी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट ई, डी ई एन डेन, एम ई एन मैन, एल ई जी लेग, तो यहाँ पे ई वाले वोवेल्स सब मैच करते हैं। एस यू एन, ये अलग है तो बच्चा इसको क्रॉस करेगा। नेक्स्ट आर ई डी रेड, एन आई टी निट, बी आई टी बिट, एल आई डी लिड, तो ये तीनों सेम है इससे और ये अलग है, बच्चा इसमें क्रॉस कर देगा। ओ सी ओ टी कॉट, एल ओ टी लॉट, बी आई बी बिब, जी ओ टी गॉट, तो यहाँ पे ये तीनों सेम है और बी आई बी अलग है तो बच्चा इसको क्रॉस कर देगा। यू बी यू जी बग, बी यू एस बस, सी यू बी कब, बी आई टी बिट, यहाँ पे ये अलग है, बच्चा इसको क्रॉस कर देगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेरे पास मैच द कलर। इस एक्टिविटी से बच्चों को कलर आइडेंटिफाई होगा और मैच भी करना आएगा, जैसे कि ब्लू ब्लू कलर, तो बच्चा इसको इससे मैच करेगा। रेड रेड कलर, पिंक पिंक कलर, ग्रीन ग्रीन कलर, येलो येलो कलर, ऑरेंज ऑरेंज कलर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेरे पास से द लेटर्स विद फोनिक साउंड। यहाँ पे मैंने कुछ लेटर्स दे रखे हुए हैं और उनके फोनिक साउंड्स मैं भी करके दिखाऊंगी। जैसे डी सेज ड ड डक, एस सेज स स सन, जी सेज ग ग गोट, तो इस एक्टिविटी से बच्चों को फोनिक साउंड पढ़ना आएगा और साथ ही साथ फोनिक साउंड का यूज करके वर्ड फॉर्म करना आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेरे पास राइट द नेक्स्ट लेटर। बच्चों को स्मॉल लेटर्स और उनके आगे के वर्ड्स लिखना है यहाँ पे, जैसे टी, टी के आगे क्या होता है यू, स्मॉल जी, नेक्स्ट लेटर क्या होगा स्मॉल एच, एल नेक्स्ट लेटर क्या होगा स्मॉल एम, स्मॉल ए नेक्स्ट लेटर क्या होगा स्मॉल बी। इस एक्टिविटी से कराने से बच्चों को आगे के लेटर्स आएंगे और स्मॉल लेटर भी लिखना आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेरे पास री राइट दीज वर्ड्स यूजिंग स्मॉल लेटर्स। यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर्स में दे रखा हो और यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है ताकि बच्चे यहाँ पे इसको देख करके स्मॉल लेटर में लिखेगा।
बी ई बी, तो यहाँ पे बच्चा स्मॉल में लिखेगा बी स्मॉल ई, कैपिटल एच कैपिटल ई ही, तो यहाँ पे बच्चा स्मॉल में लिखेगा एच ई ही. मी, यहाँ पे बच्चा स्मॉल में लिखेगा एम ई मी. जी ओ गो, यहाँ पे बच्चा स्मॉल में लिखेगा जी ओ गो. नेक्स्ट है मेरे पास रिवराइट दीज वर्ड्स यूजिंग कैपिटल लेटर. उसी तरीके से मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में दे रखा हुआ, यहाँ पे अंडरलाइन दे रखा हुआ है ताकि बच्चे यहाँ पे स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर्स लिखेगा. ए एम, तो यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल एम. आई एन इन, कैपिटल आई कैपिटल एन. बी वाई, कैपिटल बी कैपिटल वाई. ए टी एट, कैपिटल ए कैपिटल टी. नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेरे पास कलर द बॉक्सेस विद कंसोनेंट इन देम. अल्फाबेट 26 होते हैं जिनमें 5 वोवेल्स होते हैं और बाकी के कंसोनेंट होते हैं, तो इस एक्टिविटी से बच्चों को कंसोनेंट लेटर पहचानना होगा और उनमें कलर करना होगा. जैसे यहाँ पे मैंने पूरा ए से लेकर के जेड तक स्मॉल लेटर्स में दे रखा हो, बच्चा इसमें से कंसोनेंट वर्ड्स को छाट करके और उसमें कलर करेगा. स्मॉल ए, ये वोवेल्स होता है तो बच्चा इसको कलर नहीं करेगा. बी, ये क्या है, कंसोनेंट है तो बच्चा इसको इस तरीके से कलर फिल कर देगा. सी, ये भी कंसोनेंट है तो इसमें भी कलर फिल कर देगा इस तरीके से. डी, कंसोनेंट है ये भी, इसमें भी कलर फिल कर देगा. ई, ये क्या है, वोवेल्स है. एफ, एफ क्या है, कंसोनेंट, इसमें इस तरीके से कलर फिल कर देगा. जी, कंसोनेंट, इसमें भी इस तरीके से कलर फिल करेगा. एच, कंसोनेंट, इसमें भी कलर फिल करेगा. आई, आई क्या है, वोवेल्स. जे, जे कंसोनेंट कलर फिल. के, कंसोनेंट कलर फिल. एल, कंसोनेंट कलर फिल. एम, कंसोनेंट कलर फिल. एन, इसमें भी कलर फिल. ओ, वोवेल्स, इसमें कलर फिल नहीं करना है. पी, कंसोनेंट, इसमें भी कलर फिल करेगा. क्यू, कंसोनेंट, इसमें भी कलर फिल करेगा. आर, कंसोनेंट, इसमें भी कलर फिल करेगा. एस, ये भी कंसोनेंट है, कलर फिल करेगा. टी, कंसोनेंट, कलर फिल करेगा. यू, वोवेल्स है. वी, कंसोनेंट है, कलर फिल. डब्ल्यू, कंसोनेंट. एक्स, कंसोनेंट. वाई, कंसोनेंट. जेड, कंसोनेंट. इस तरीके से बच्चों को एक्सरसाइज करने से वोवेल्स की पहचान होगी और कंसोनेंट की पहचान होगी. नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेरे पास फिल ऑल मिसिंग लेटर्स. यहाँ पे मैंने कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दोनों में मिक्स करके मैंने कुछ फिलअप दे रखे हुए हैं. इस तरीके से बच्चों को आप बच्चे आपके कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दोनों ही सीख जाएंगे लिखना. कैपिटल ए स्मॉल ए, नेक्स्ट क्या आता है, कैपिटल बी स्मॉल बी. नेक्स्ट कैपिटल सी स्मॉल सी. नेक्स्ट कैपिटल डी स्मॉल डी. नेक्स्ट कैपिटल ई स्मॉल ई. नेक्स्ट कैपिटल एफ स्मॉल एफ. नेक्स्ट कैपिटल जी स्मॉल जी. नेक्स्ट कैपिटल एच स्मॉल एच. इस तरीके से आप बच्चों को लेटर्स दे करके और अंडरलाइंस करके बच्चों को मिसिंग लेटर्स सिखा सकते हैं और उनको कैपिटल और स्मॉल लेटर्स की पहचान होगी. सो गाइज, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज सब्सक्राइब लाइक्स और कमेंट करके जरूर बताइएगा. और हाँ, अगर आप मेरे चैनल्स में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल्स को. थैंक यू.